अस्सलाम वालेकुम। आज जी मैं बड़ी इजी जी रेसिपी सानल शेयर करन रही हां। माड़े ओ फेवरेट न ए गांगलू ते गोश्त है जी, जिसके शलजम ही आहने न उर्दू विच, ते असा ता अपनी जुबान च गांगलू ही आहने असा ने जेड़े अपने कश्मीरी हैं। नाल चिट्टे चावल होवन ते नाल लो है गोश्त ते गांगलू। ओए होए होए असन ते ईद शबरात सारा कुछ होई जासी उसने चाहे होए। असा की ते बहुत ही पसंद है, बच्चे थोड़े बहुत नहीं पसंद करने, पर मैं इतने निके निके कट्टे बच्चे की नहीं पता लगना। ओ सन सन आलू आराम खाई जसन ते ओ मैं वाक जानी होनी सन इधर ते उत्थे वाक करने माड़ी एक फ्रेंड बने ना, तो वो थोड़े माड़े अम्मी नहीं एज ने ते माड़े वो बेचारे फ्रेंड बने ना, तो उन्हें कि मैं वो समर टाइम ना इं वाक करने सन बाहर ही इतना स्ट्रीटा च ही अस थोड़ा जहा नाल रोड लगनी है उत्थे वाक करनी सा मैं, उन्हें की ना फिर वाक करने करने में इधर ले जाता अपने घर। फिर मैं बड़ा ही उन्हें की आख्या कि तुम जरा ना खाना खाओ खाना खाओ, आने नहीं नहीं मैं खाना नहीं खानी, मैं तो वाक कर आई सा इधर तक भाई, मैं है चलो चलो खाओ तुस। फिर वो मैं बड़ा उन्हें की रिक्वेस्ट करी कहना था खाना खिलाया था। वो हूँ मैं लभे ना एक दिन तो आने ना थोड़े जो गांगलू गोश्त ना वो मैं ना भुली सकी, तो अज मैं स्पैशली उन्हें की बुलाया मैं आए जीने जोगे हो तो मैं तुम्हें फिर खिलाई छोड़नी ऐसी कड़ी गल है, मी भी बड़े पसंद न, तो अज मैं उन्हें की बुलाए हुआ तो अज वो असन सारे घर तो अज अस मजे न जरा ना दोए बेहकर तो अपने अपने गंगलू गोश्त जेड़े ना ये इंजॉय कर सा, तो नाल मैं तुसा की इसनी ईजी जी रेसिपी भी शेयर करनी हाँ। तो और थैंक यू तुसा सारे ने जरा तुसा की पसंद करने हो लाइक करने हो शेयर भी करने हो, मैं आनी रही हाँ सबसक्राइब करो 10,000 हैं तो मैं जरा ना वो करा डेली तुसा नाल व्लॉगिंग करा करा सो दसिया करा कि हर रोज़ मैं क्या बनानी हाँ, सब्जी बनानी हाँ साग जो कुछ भी बनानी हाँ दाल साग गोश्त ये वो सब कुछ तुसा नाल शेयर करा कर सा, तो इंशाला चलो तुसा नहीं तो माड़ी कोशिश न इंशाला जल्दी हो जा सन। वैसे भी मी मिलने ने जो बंदे अगर पिछा तो मैं बड़ी खुशी होनी है, वो बहुत ही पसंद करने, ईवन मैं ज्यादा खुश होनी हाँ जड़िया माड़िया बच्चिया पसंद करनिया कि माड़े को आई जासन मी पुछसन आसन आई इतनी नाइस तुसानी रेसिपियां असं की बड़िया पसंद होनिया, तो मैं हूँ इंशाला अपनिया बच्चिया वास्ते और भी कुकिंग ईजी बना सा, तो हर चीज जी शेयर कर सा कि बहुत ज्यादा तरद्दत की तुसें पैने की जरूरत नहीं, तो हूँ माड़िया बच्चिया कोल कॉल आई जाओ इधर तो जड़िया बहर गई ना किचने च वो भी आई जाओ, तो मैं तुसा की दसनी है तक 10 मिनट बेहतरीन जहा अपने अम्मा अबे तो अपने सारे वास्ते पूरी फैमिली वास्ते नाइस जाए गांगलू गोश्त किस तरह बना सो अज है जी, तो चलो शुरू करनी है असं। सब तू पहले अस जड़िया चीजा अस चाहिए न सारिया अस रेडी करी लिया। टमाटर मैं ले न मीडियम साइज ने, 3 टमाटर ले न मीडियम साइज ने, 3 मैं प्याज ले न। मैं एक किलो गोश्त ना मैं अंदाजा रखे है कि इसने 3 टमाटर ते 3 प्याज पाओ, जे बहुत बड़े वैन तो फिर तुसा 2 पाई लो, तो वैसे 3 जड़े ने एक हांडी ना मैं एक अंदाजा रखे है, तुसा भी इस तरह माड़िया बच्चिया करे ठीक है ना। तो हूँ रखने ना कुकर यह जरा माड़ा कुकर है, तो वैसे उस दिन मैं चावल कुकर च बनाए सन तो कुसा क्वेश्चन किया कि नॉर्मल विच भी बनाई सकने हो, तो नॉर्मल भांडे च भी तुसा बनाई सकने हो कोई मसला नहीं, अगर तुसा घर मिट्टी नहीं आंडी है तुसा उसने च भी बनाओ, अगर नहीं है तो नॉर्मल जरा पॉट तुसा ना उसने तुसा बनाई सकने हो कोई मसला नहीं है। तो हूँ असा जरा ना ये माड़ा तकरीबन अदरक तो थोम तो एक मर्च में इसने सब्ज बाही है सारा कुछ में तकरीबन 1.5 इक खाने ना चमचा उसी तुसा अपने मुताबक बाहो कि तुसा ज्यादा या घट खानी हो। तो हूँ असा अपनिया सारिया चीज़ा जड़िया ना इसने विच कुकरै च परतसा कोई मसला नहीं। ओए चम्चा चमचा कुत्थे में रखी छोड़िया वो है तक है जीने जोगे वो चमचा इधर पे तुसा दस्या नहीं मिगी, ते ए है तक हूँ असा अपने प्याज इसने बस सारा कुछ कट्टी कुट्टी तो सा रेडी करी ते इक्के बारी चाहिए सट्टो कुकरै च ते कोई मसला नहीं। हांडियां शंडियां तक किस तरह बननियां फटाफट बेहतरीन किस्म दियां। हूँ असा गोश्त जड़ा ना तकरीबन 1 किलो गोश्त है असा ना हड्डी ने समेत है जी, ते ए सारा कुछ असा इसने
ਬਾਸਾਂ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਸਾਂ ਹਲਦੀ ਇੱਕ ਟੀਸਪੂਨ ਹੈ ਤੇ ਡੇਢ ਚਮਚਾ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਘੱਟ ਖਾਣੇ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ ਉਸਾਂ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਬਾਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਇਲਾਚੀਆਂ ਦੋ ਤਰੇ ਲੌਂਗ ਤੇ ਨੁਸਖੀ ਕਲਵੰਜੀ ਕਲਵੰਜੀ ਹੈ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਬਈ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਬਈ ਕਲਵੰਜੀ ਆਂਟੀ ਕਲਵੰਜੀ ਹੈ ਬਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਲਵੰਜੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੀਰਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਛੜਿਆ ਤੇ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸਾਂ ਨਮਕ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਅਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਈ ਛੋਣਾ ਦੋ ਗਲਾਸ ਬਾਈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਲਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਕੁੱਟਸਾਂ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਕਸ ਕਰਸਾਂ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਕਰਸਾਂ ਕੁੱਕਰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵੇ ਇਸ ਕੀ ਰੱਖਸਾਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਕੁੱਕਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕੁੱਕਰ ਆਪਣਾ ਰੱਖੀ ਛੱਡਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਣਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਾ 40-45 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈ ਲਓ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਸਕਣੇ ਨਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਸਾਂ ਬਾਅਦ ਦਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਣ ਗੋਸ਼ਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਧਰ ਚਾਵਲ ਉਬਾਲੀ ਲਵਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਹੋਈ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤੱਕਣੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਆ ਬੰਦ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਅਸਾਂ ਦੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਹੋਈ ਰਹੇ ਤੱਕੋ ਜੀ ਉਬਲੇ ਚਾਵਲ ਚਾਵਲ ਉਬਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਨਮਕ ਪਾਓ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕਣੇ ਰਵੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਛੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਚੋੜੀ ਕਹਿ ਚਾਵਲ ਰੈਡੀ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੀਮ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਂਟੀ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕੈਡ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਾੜੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਸਾੜੀ ਲਵੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੋ ਮਾੜੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਨਿਸ਼ਨੀ ਸਟੀਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਅਸਾਂ ਗਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ ਨਾ ਕੁਕਿੰਗ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਕਰ ਉਹ ਦੂਏ ਕੁੱਕਰ ਆਉਣੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਚੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੜਾਹੀ ਟਾਏ ਪੈਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਕਰਾਂ 'ਚ ਦਾਲ ਰੱਖੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਬੜ ਫੱਟੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਡਰਨੀ ਸਾਂ ਬਈ ਕਿ ਅੱਖ ਆਪਣੇ ਬਚਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾਈ ਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਰਬੜ ਫੱਟੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਲ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਦਾਲ ਉੱਧਰ ਪਈ ਤਾਂ ਸਭ ਖਿਲਰੇ ਆ ਪੂਰੀ ਕਿਚਨ ਭਰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੱਕੀ ਕਹਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕੁੱਕਰ ਰੱਖਣੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੰਮ ਕਰਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਚਲੋ ਤੱਕੜੀ ਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕੋ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤੱਕੋ ਅੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲਈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਗਰਮ 'ਚ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਆ ਹੈ ਜੀ
गोश्त असान गली गया जिस तरह असान की चाहिए ना सी तो उन असान ऐं इसने कुदरा में दाल बाई सी पहले तो ना दाल गोश्त बने हैं वह बिस्मिल्लाह करी तो एक कप इसने बैसा ऑयल ताकि वो भी सब बाई सके हो तो उन इसकी चंगी इस तरह इत्थे जड़ा ना पुन सां फिर उस तो बाद इसने च गांगलू शामिल कर सां गांगलू समझने हो ना शलजम तको जी गरम मसाला में थोड़ा जा हूँ इसने शामिल कर लगी हूँ कोई हाफ टी स्पून को थोड़ी सारिया कालिया मिर्चा इसने सही हैं शार्प जा जरा टेस्ट हो जाना मिर्चा लून जरा वाल तेज हो जाना इसने कालिया मिर्चा बहो न थोड़िया तो बड़ी मजेदार बनना तो हूँ जरा ना अपने गंगलू इसने शामिल कर सा है जी ये भी मैं इन्हें नाल ही इसने भुजन ना थोड़ा जहा इस मर्च मसाला शसाला नाल ही थोड़ा भुजने भजने ना टेस्ट इसने नाल हो ना तो फिर बड़ा ही मज़ेदार उसी थोड़ा जहा सा अपने धनिया तो अदरक तो ये बाई छोट मर्चा सबज मर्चा ये भी नाल ही इसने भुनसा होनी ना कि कोई चार पाँच मिनट गोश्त साना तो गंगलू जड़े ना बड़े सोने भुजी गए न जे अगर अस ड्राई जे अस रोटी ना खाने में ना तो जरा एक पानी बाई के बस इसकी जड़ा ना गले गली जान ना सही जे जे गले नहीं है माड़े क्योंकि मैं अस पतला थोड़ा बनासा छोरा जो तो तुसा थोड़ा जहा पानी बाही ना तो गंगलू गली जान तो बस इस तरह ही तको उपर बाही तो मर्चा शर्चा धनिया तो इस तरह इस रोटी ना खाई सकने तो मैं थोड़ा इस अज छोरे ने प्रोग्राम सी इस वास्ते कैटल वाला पानी बस हाँ इसने चावलों ना लसा इसकी सर्व करना है तो ड्राई भी इस चावलों करी सकने मैं वैसे अज आ पाकिस्तान नहीं याद मनाई है जरा जिस तरह पाकिस्तान असने बनाने होने से पतला पतला सालन सोहना जहा तो उस तरह ना टेस्ट हो पानी बाई छड़ा हूं तो हूँ इसने परखसा ढक्कन ढक्कन था बड़ी कुदर गए कुदर गया हूँ इसने पर ढक्कन रखी छोट सा तो मिलने कोई दस मिनट बाद चूल्हा करने बंद तो इसने पर थोड़ी देर रखी छोड़ने ढक्कन ऐ तको माशाल्लाह रेडी हो गया जी हूँ अस थोड़ी देर इसने ढक्कन रखने थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर मैं तुम्हें दसनी
माशाला जी तको सर कितना सोना अपना प्लेटर रेडी करी छोड़ा जिसकी तकी के हर एक बंदे की भुख लगी जैसी ता हूं माड़ा वो जरा मेहमान ना वो भी अचने वाले ना कि मैं बड़ा आखिया कि मैं कोई रोस्ट बना कबाब बनाओ आने नी नी मी जरा ना थोड़ा गैस ना मसला वे तू माड़े वास्तव जरा ना खीर बनाई छोड़ तो मैं उन्होंने वास्तव खीर भी रेडी की है तो वह बिल्कुल हूँ पहुंचने वाले न तो फिर असा जरा ना ये खाने मजे लाई लाई तो फिर तसा कि दसने ते हूँ मैं खाना उन्होंने नाल खाना सी तो हूँ मैं टेस्ट भी नहीं करी सकनी चलो ये बहुत ही मजेदार बने तो अगर तसा कोई इस तरह ना इशू है ना कि ना कोई खाना हो इसलिए तो बड़ी नाइस सोहनी खुशबू है मिगी इतनी पसंद है वो जड़ी ए गांगलुआ की खुशबू जी होनी है जिसलै गोश्त है गांगलू बनाओ वही तो जे अगर कोई मसला हो ना जिस तरह असा घर भी जैनी नहीं खाना या कोई एक जैनब भी नहीं खानी तो वह फिर मैं थोड़ा इं गोश्त जरा भुजना ना उस वे क्ढी लवो थोड़ा उन्ना वास्तव ये भी सू मसला हल हो जाए अगर बड़िया भी कोई इस तरह करा तो इन्ना पसंद हुए कि तुम आखो ये मैं असा ना खाने तो बड़े बड़े आलू हर चार पीस बनाई के बिच बहुत बाद जल्द सर्व करो ना तो वह क्ढी छोड़ो तो बाकी गोश्त शोश्त उन्हें खिलाओ तो उन्हें पता ही नहीं लगन वा कि ये जड़िया सब्जियां ना बहुत जरूरी होनी अस अपनी डाइट शामिल करा तको ये मैं कितना खूबसूरत जहा बनाया ये यकीन तुम्हें पसंद आया उसी लाइक शेयर ना करना भुलिया ना है मैं क्या ही छोड़ा लाइक शेयर करना ना भुलिया है सबसक्राइब करें इंशाल्लाह मिलने हैं फिर कुसै नवी रेसिपी च रमजान आई रहा तो मैं बहुत सारिया सारे तुसा नाल समोसे पकौड़े रोस्ट ये वो लटर पटर करसन शेयर करने सारे बहुत अच्छा काम करी रहे यूट्यूब पर बहुत नाइस है क्योंकि असाने जमाने च होना सी जिल्लै असा कुकिंग करने होने सा कोई कुकिंग शो ही नहीं सी होना कोई प्रोग्राम नहीं सी होना बंदा कुत्थों तक है ये हूँ सो मैनी आइडिये तकी सकने हो तो मैं सोचा कि मैं ना ये समोसे पकौड़े ये चीजा शीजा कुछ ना करनी मैं रोजाना जरा थोड़ा थोड़ा बनाया करसा नफ्तारी वास्ते वो सारा शेयर कर सा इंशाल्लाह माड़ा ये प्रोग्राम है तो माड़ी तरफों जरा ना सारे की रमजान मुबारक ते नाल खुदा हाफिज़ ते इंशाल्लाह फिर मिलने अक्सर नवी रेसिपी तब तक खुदा हाफिज़।